वेलकम बैक। हेलो एवरीवन, होप यू आर फाइन। यस, तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपने नाउंस किए थे, राइट, मैम ने आपको नाउंस सिखाया था। कौन से टू नाउंस सिखाए थे? एक था कॉमन नाउन एंड एक था प्रॉपर नाउन। फर्स्ट वीडियो हमने किया, दैट इज ऑफ कॉमन नाउन। सेकेंड वीडियो इज ऑफ प्रॉपर नाउन। आज हम आपको मैम टू न्यू फॉर्म सिखाने वाली है ऑफ नाउन, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन। ये आपने पहले नहीं सुना, ये आपके लिए न्यू फॉर्म्स है ऑफ नाउन्स, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। यस, सो बिफोर दैट अपनी बुक वापस ओपन कर ले। आई होप यू आर राइटिंग द डेफिनेशन, एग्जांपल्स एंड वर्कशीट। यस, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है जो हम आपको सिखाना चाहते हैं? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी फिलहाल आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लें, और पेरेंट्स भी थोड़ा बच्चों को गाइड करें कि किस तरह से करना है, क्या लिखना है। पूरे पूरे वीडियोस कॉपी नहीं करने हैं नोटबुक में, ओनली जो हम हाइलाइट्स आपको जो देते हैं बस वही नोट डाउन करवाएं उनको और डिफरेंस बताएं। एंड आप वीडियोस देखकर बार बार अगेन डिफरेंस पहले चेक करो कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है। इट कंटेन्स स्मॉल लेटर्स, ये होता है कैपिटल लेटर्स, ये आइडेंटिफाई करता है जनरल नेम्स, ये आइडेंटिफाई करता है ओनली पर्टिक्यूलर नेम्स, राइट। ये हमने सीखा था कॉमन नाउन में और प्रॉपर नाउन में। चलो आज हम बच्चे देखते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स एंड डेफिनेशंस ऑफ कॉन्क्रीट नाउन्स। कॉन्क्रीट नाउन्स क्या होते हैं? यस, वो ये नाउन्स होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो हम स्मेल कर सकते हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स को हम जिनको यूज करके हम उनको फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स। हम चैप्टर नंबर 1 ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले हमने किया था कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, राइट। आई होप आपको वो क्लियर हो गया होगा। यस, सो ये उसी की तरह थोड़ा सिमिलर ही है जैसे कि कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन होता है, लेकिन इस कॉन्क्रीट नाउन को हम तब यूज करते हैं जब हम हमारे सेंसेस को यूज करते हैं। सेंस तो आपको पता ही होगा कि 5 सेंसेस क्या होते हैं, राइट। मैम आपको फिर से एक बार दिखाएगी व्हाट आर सेंसेस, उसका क्या यूज होता है, और उसे यूज करके जो चीजों को हम जानते पहचानते स्मेल करते हैं वो आती है कॉन्क्रीट नाउन में। तो हमारा लेसन नंबर 1 है नाउ। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स। स्टूडेंट्स, कॉन्क्रीट नाउन्स की डेफिनेशन आपको लिखने हैं एंड एग्जाम्पल्स आपको लिखने, जैसे कि मैंने आपको कहा। बट बिफोर दैट Only concentrate on your explanation first. आपको सिर्फ explanation सुनना है one time, क्योंकि ये आपके लिए new है, this is new for you. ये noun हमने पहले नहीं किया है, so first focus on explanation and then start writing. Okay? So what is concrete nouns? Nouns can be name of people, place, animal and things. ये मैंने आपको बताया कि nouns क्या होते हैं, name of people, place, animals and things are called nouns. A concrete noun is a noun that we can physically or experience or detect with our 5 senses. Concrete noun क्या होते हैं? जो हम physically touch कर सके, जिनको हम experience कर सके, या जिनको हम detect कर सके means by smelling with your nose. हम nose की मदद से जिसको हम smell कर सकते हैं, जैसे flowers है तो उनकी smell हम nose से लेते हैं ना। आपके food है तो food का smell भी हम किससे लेते हैं? by with nose. तो हम 5 senses कौन से use करते हैं? that is eyes, nose, tongue, ear and your skin, जिसकी मदद से आप चीजों को physically touch करते हैं, right? ये मैम physically touch कर रहे हैं board, right? you can touch your hands. तो ये सब जो चीजें हैं वो आती है concrete nouns में। concrete nouns किसके होते हैं? जो चीजें हम feel कर सके With our 5 senses, जिसको आप physically touch कर सकते हो, experience कर सकते हो, smell कर सकते हो, taste कर सकते हो, वो सब चीजें आती है concrete nouns में। इसमें आती है concrete nouns क्या होते हैं? जिनको हम physically touch कर सकते हैं, जिसको हम feel कर सकते हैं with our 5 senses, जैसे कि touch with your hands, right? Hear with your ears, see with your eyes, taste with your tongue, smell with your nose. These are your senses, right? ये आपके sense part है जिससे आप sense करते हो चीजों को, touch करते हो hand से, right? जैसे कि bench, bag, wall,
मोबाइल, ये सब आता है कंक्रीट नाउन में क्योंकि हम इनको टच कर सकते हैं। हियर जो चीजों को आप सुन सकते हैं, दैट इज नॉइज ऑफ योर कार, हॉर्न का नॉइज है, राइट, मोबाइल का साउंड है, साउंड जो आता है जो आप स्पीकर से सुनते हैं या आप सॉन्ग सुनते हो। देन सी, जो चीजों को हम देखते हैं, जिन चीजों को आप आई से आप देख सकते हो वो भी आते हैं कॉन्क्रीट नाउंस में। जिनको हम टेस्ट करते हैं, जैसे हमारा फूड है, यस, जो हम चीजें खाते हैं, जो हम खा सकते हैं, जिसका हमको टेस्ट फील होता है, स्मेल, जो चीजें हम नोज से स्मेल कर सकते हैं, तो ये चीजों का जिनमें आपने यूज किया वो आता है कॉन्क्रीट नाउंस में। कॉन्क्रीट नाउन का डेफिनेशन क्या है? दैट यू कैन एक्सपीरियंस और फिजिकली टच और सी बाय योर फाइव सेंसेस, जिसको आप फाइव सेंसेस से फील कर सको वो होता है कॉन्क्रीट नाउंस। दैट मच इज क्लियर? यस, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू कि पहले आपको क्या लिखना है, डेफिनेशन ऑफ कॉन्क्रीट नाउन एंड दैट कैन बी टच विद योर फाइव सेंसेस, जो आप फाइव सेंसेस से डिटेक्ट कर सको वो होता है कॉन्क्रीट नाउन। अब मैम आपको वन बाय वन दिखा दिए कि इन फाइव सेंसेस का हम किस तरह से यूज करते हैं और क्या चीजें कॉन्क्रीट नाउन में आ सकती है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सो हियर यू कैन सी, आप पहले अच्छी तरह से देख लो, यस, यू कैन सी विद योर आईज, राइट, आपको ये पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है, यस, अच्छी तरह से ये पिक्चर देखो पहले आप, ओके, सी, वी कैन सी विद आवर आईज, हम हमारी आईज से देखते हैं। आईज भी क्या है? सेंस ऑर्गन का पार्ट है। आप कौन सी चीजें देखते हो? सन है, रेन है, क्लाउड है, और भी काफी चीजें हैं हमारे सराउंडिंग में आसपास जो हम हमारी आईज से देखते हैं। तो ये सब आता है कॉन्क्रीट नाउंस में। किसमें आता है? कॉन्क्रीट नाउन। क्या क्या आता है? सन, रेन, क्लाउड, जो चीजें हम देख सकते हैं फिजिकली, आप देख सकते हो। सन को हम देखते हैं ना स्काई में, रेन है तो उसका जब वॉटर गिरता है, यस, यू कैन फील। देन क्लाउड्स, क्लाउड्स ऑफ स्काई पे देखते हो आपको दिखाई देते हैं, यस, तो जो चीजें आपको दिखाई देती है, जैसे अभी यहाँ पे आपको बोर्ड भी दिखाई दे रहा है, राइट, मैम दिखाई दे रही है, तो ये कॉन्क्रीट नाउंस है। क्या है? कॉन्क्रीट नाउंस। इसमें आता है डेंटिस्ट है, टीचर है, जिनको हम देख सकते हैं वो आते हैं कॉन्क्रीट नाउंस में। तो आपको फर्स्ट लिखना है आईज, सी, देन आप उसके एग्जाम्पल्स लिखो, दैट इज सन, रेन, क्लाउड, ये उनके क्या है? एग्जाम्पल्स है। क्या है? एग्जाम्पल्स है। सो ये आपके फर्स्ट एग्जाम्पल्स है विच यू कैन सी। आप सेंस ऑर्गन में हमने सबसे फर्स्ट किया सी, जो चीजों को हम देख सके वो आती है कॉन्क्रीट नाउंस में। देयर आर फाइव सेंसेस, फर्स्ट है हमारा आईज, उसकी मदद से हम क्या क्या देख सकते हैं, सन, रेन, क्लाउड, बोर्ड, टीचर, ये आपके है कॉन्क्रीट नाउंस। क्या है? कॉन्क्रीट नाउंस, जिसकी मदद से आप देख सकते हो। यस, आप अच्छी तरह से एक बार देख लें, क्लियर दिस मच। तो नाउ नेक्स्ट इज, आप ये पिक्चर में कुछ दिखाई दे रहा है? यस, ये वो चीजें है जो हम हियर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर इयर्स, मींस हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं, राइट। हियर किससे करते हैं हम? फर्स्ट ऑफ ऑल हियर से करते हैं, तो ये हमारा सेकेंड सेंस ऑर्गन है विच इज हियर। अब हियर क्या क्या चीजें हम हियर करते हैं? आप म्यूजिक सुनते हो, राइट, हम कार का हॉर्न सुनते हैं, अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो हम हॉर्न करते हैं तो सामने वाले को पता चलता है ना, तो किससे पता चलता है? जब वो अपने हियर से सुनते हैं। नेक्स्ट इज क्राई, जब आप क्राई करते हो आवाज आती है ना, यस, तो ये चीजें भी आती है कॉन्क्रीट नाउंस में क्योंकि हम उसको क्या करते हैं? ईयर करते हैं। यहाँ पे भी हमने कौन सा ऑर्गन यूज किया है? ईयर, हमने सेंस ऑर्गन यूज किया, यस, तो जहां पे भी हम सेंस ऑर्गन यूज करते हैं वो कॉन्क्रीट नाउन होता है, जैसे म्यूजिक, हॉर्न, क्राई, लाफ, ये भी आता है कॉन्क्रीट नाउंस में। तो ये आपका सेकेंड चीज है, फर्स्ट हमने देखा सी, जो चीजें हम देख सकते हैं, यस, जिसको हम विजिबल है आपके लिए, जिसको हम देख के टच कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल टीचर है, राइट, बोर्ड है, वो आते हैं कॉन्क्रीट नाउन में। सेकेंड इज विच यू कैन हियर, जो आप सुन सकते हैं, जैसे म्यूजिक, हॉर्न, क्राई, तो ये एग्जाम्पल है ऑफ ये।
ईयर, ये भी आते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स में। यहाँ पे हमने अपना सेकेंड पार्ट सेंस ऑर्गन का यूज किया विच इज ईयर। ओके, नोट डाउन दिस मच। नेक्स्ट इज ऑफ स्मेल, आपको दिख रहा है स्मेल का पिक्चर? यस, स्मेल किससे करते हैं? नोज से, ऑफ कोर्स, राइट। क्या क्या स्मेल करते हो? मैम ने आपको प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा गुड स्मेल के बारे में, बैड स्मेल के बारे में मैम आपको समझा दे ही है, राइट। तो आपको ये चीज तो पता है कि हम क्या क्या चीजें स्मेल कर सकते हैं हमारे आसपास, जैसे फूड का स्मेल हो गया, तो फूड इज अ कॉन्क्रीट नाउन। फ्लावर्स हो गए, फ्लावर्स में से भी अच्छी सी फ्रेग्रेंस हम लेते हैं ना, राइट। तो फ्लावर भी किसमें आता है? कॉन्क्रीट नाउन्स में। देन परफ्यूम का स्मेल हो गया, राइट। परफ्यूम्स जो है उसमें से भी स्मेल आती है, जिसके लिए हम रोज यूज करते हैं, फिर से हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं, तब आपको पता चलता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है, राइट। तो वो चीज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम डिटेक्ट कर रहे हैं यहाँ से ये चीज आ रही है, यहाँ से स्मेल आ रहा है, किससे आ रहा है? विद नोज। तो ये चीजें भी आती है कॉन्क्रीट नाउन्स में, जिसके लिए हमने कौन सा ऑर्गन यूज किया? नोज, जिससे हम क्या करते हैं? स्मेल। तो जो चीजें आप स्मेल कर सकते हो वो भी आती है कॉन्क्रीट नाउन में, जो आप टच कर सकते हो वो भी कॉन्क्रीट नाउन्स होते हैं, जो आप हियर करते हो वो भी कॉन्क्रीट नाउन्स हो सकते हैं, और जो आप स्मेल करते हो जो चीजों को वो भी कॉन्क्रीट नाउन्स है। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दी है, फूड, फ्लावर एंड परफ्यूम, जिसकी स्मेल आती है, राइट, जो हम स्मेल करते हैं, तो ये भी क्या है? कॉन्क्रीट नाउन का एग्जाम्पल है। ओके, नोट डाउन दिस मच। नेक्स्ट इज ऑफ टेस्ट, अब टेस्ट किसे करते हो आप? विद द हेल्प ऑफ योर टंग। तो जो चीजें हम खाते हैं वो भी किसमें आती है? कॉन्क्रीट नाउन्स में आती है। जैसे कि फूड हम खाते हैं, राइट, इससे आपको उसका टेस्ट पता चलता है, स्वीट है, बिटर है, कैसा है। देन सॉल्ट, सॉल्ट का टेस्ट कैसा होता है? फ्रूट्स का टेस्ट कैसा होता है? यस, और भी चीजें जैसे कोल्ड ड्रिंक है, यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं, लेकिन वो चीजें भी किसमें आती है? कॉन्क्रीट नाउन में। जो चीजें आप टेस्ट करते हो, मतलब जो चीजें आप खाते हो, केक है, ये सब चीजें जो चीज हमें खाते हैं हम, तो वो आता है कॉन्क्रीट नाउन में। उसमें फूड आता है, सॉल्ट आता है, देन फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, यस, जंक फूड आता है वो भी हम खाते हैं, राइट। तो ये सब चीजें आती है कॉन्क्रीट नाउन में। तो कॉन्क्रीट नाउन में वो चीजें भी आती है जो हम टेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर टंग। नोट डाउन। नाउ नेक्स्ट इज टच, टच किससे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ योर हैंड्स। हैंड से हम काफी चीजें टच करते हैं, जैसे अभी आपने आपकी पेंसिल ली होगा, बुक लिया होगा, आपने उसको टच किया है हैंड से, यस और नो? यस। सो जो चीजें लाइक बुक, पेन, टेबल, चेयर, बोर्ड, जिनको टच करते हैं हम, जो चीजों को हम टच करके फिजिकली, जिनको हम टच कर सकते हैं फिजिकली, जो हमको दिखाई देता है, जैसे मोबाइल फोन है आपके पास, यस, जिन चीजों को हम छू सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, वो भी आती है कॉन्क्रीट नाउन में। उसमें सभी थिंग्स आ सकती है, जैसे बुक, पेन, पेंसिल, देन टेबल, आपके पास आसपास होगा, जो भी चीजें आप टच कर सकते हैं, आप उसको फील कर सकते हैं, वो आते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स में। तो कॉन्क्रीट नाउन में क्या क्या चीजें आती है? जो चीजें हम सी करते हैं, यस, जो चीजें हम हियर करते हैं, जो चीजें हम स्मेल करते हैं, जो हम टेस्ट करते हैं एंड जो हम टच करते हैं, ये चीजें आती है कॉन्क्रीट नाउन्स में। मीन्स जो चीजें लाइव है उसमें फ्लावर्स भी आते हैं, फ्रूट्स भी आते हैं, वेजिटेबल्स भी आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जैसे टेबल, पेन, पेंसिल, चेयर, पर्सन भी आते हैं, जैसे टीचर, डॉक्टर, डेंटिस्ट, ये लोग भी आते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स में। तो इन शॉर्ट कॉन्क्रीट नाउन्स क्या है? प्रॉपर कॉमन नाउन का मिक्सचर है, जो चीजें हम हमारे सेंस की मदद से फील कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो चीजें आती है कॉन्क्रीट नाउन्स में, जिनको आप देख सकते हो, यस, जैसे क्लाउड, सन, रेन, द
देन स्मेल आप क्या क्या कर सकते हो, फ्लावर्स कर सकते हो, परफ्यूम कर सकते हो, यस। देन फूड का स्मेल हम लेते हैं, ये चीजें भी आती है कॉन्क्रीट नाउन में। फिर नॉइज जो हमको सुनाई देता है, यस, जैसे आपका म्यूजिक सिस्टम है, यस, जैसे आप क्राई करते हो, जो साउंड्स है वो भी आते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स में। तो कॉन्क्रीट नाउन्स क्या होता है, थिंग्स विच यू कैन एक्सपीरियंस विद योर फाइव सेंसेस आर कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन्स। तो इन दिस वीडियो आई हैव शोन यू सम एग्जांपल्स एंड डेफिनेशंस ऑफ कॉन्क्रीट नाउन्स विच यू हैव टू कॉपी डाउन इन योर नोटबुक। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाने वाली हूँ, वो एक सेंटेंसेस के फॉर्म में है, सो नोट डाउन दैट सेंटेंसेस ऑल्सो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर एक्सरसाइज। जब आप इसके बाद आपको जब एक्सरसाइज मिलेगी तब आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। आई होप दिस मच इज क्लियर, आपको एग्जाम्पल्स क्लियर होंगे, डेफिनेशन क्लियर होगा। अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। हियर यू कैन सी एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्क्रीट नाउन्स इन सेंटेंस। अभी मैम ने आपको वर्ड्स दिखा है, राइट, जब उन वर्ड्स को सेंटेंस में प्लेस करेंगे तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। सो हियर यू कैन सी अ पिक्चर एंड अ सेंटेंस बोर्ड। आई लव रीडिंग बुक्स, इस पिक्चर में वो कह रहा है कि उसको बुक रीड करना पसंद है। तो इसमें से आप क्या चीज देख सकते हो, दैट इज बुक। बुक को हम क्या कर सकते हैं, सी, आपको बुक को अंडरलाइन करना है बिकॉज इट इज अ कॉन्क्रीट नाउन, क्योंकि हम उसको क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, यस। तो आप देख सकते हो कि वो बुक रीड कर रहा है इस पिक्चर में, तो वो क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, उसको सी कर रहे हो कि वो देख रहा है कि बुक जो है वो रीड कर रहा है। तो बुक जो है वो क्या है, कॉन्क्रीट नाउन है, क्योंकि क्या किया, सी, राइट। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है ऑफ सी। सेकेंड इज आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, ये क्या कर रहा है, म्यूजिक को लिसन कर रहा है। तो उसने कौन सा सेंस ऑर्गन यूज किया, यर, तो उसने क्या किया, यर। तो यहाँ पे म्यूजिक जो है वो क्या है, कॉन्क्रीट नाउन, क्योंकि यहाँ पे उसने क्या किया, सी किया, वो बुक को रीड कर रहा है मतलब वो देख रहा है, तो वो सी कर रहा है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखा ऑफ सी एंड कॉन्क्रीट नाउन क्या है, बुक। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, म्यूजिक को सुन रहा है, तो म्यूजिक को वो यर कर रहा है, उसने यर का इस्तेमाल किया, यस। यहाँ पे म्यूजिक क्या है, कॉन्क्रीट नाउन। नेक्स्ट इज ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, ये उसका बेस्ट फ्रेंड है, उसको वो टच कर रहा है और बोल रहा है कि ये मेरा दोस्त है, राइट। उसने किसका मदद लिया है, हैंड का, तो वो क्या कर रहा है, टच, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टच। तो टच कर रहा है मीन्स हैंड यूज हो रहा है, मतलब अगेन वो सेंस है, तो क्या है यहाँ पे, फ्रेंड, पर्सन है, राइट। देन आई एम गोइंग टू ईट दिस आइसक्रीम, आइसक्रीम क्या कर रहा है, वो खा रहा है, मतलब वो टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे हमने टंग का एग्जाम्पल लिया है, तो आइसक्रीम इज अ कॉन्क्रीट नाउन, और जो कि क्या हो रहा है, टेस्ट, आप उसको टेस्ट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ योर टंग, एक्सपीरियंस कर रहे हो ना कि आइसक्रीम कैसी है, यस। तो आइसक्रीम है वो क्या है, कॉन्क्रीट नाउन है और एग्जाम्पल ऑफ टेस्ट। देन दीज फ्लावर्स स्मेल नाइस, अब फ्लावर्स है उसको हम स्मेल कर रहे हैं, तो हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, नोज का, तो हमने नोज इस्तेमाल किया, तो फ्लावर्स आर ऑल्सो कॉन्क्रीट नाउन। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल इन शॉर्ट मैंने आपको दिए, वो सेंस ऑर्गन को कहाँ कहाँ यूज किया है सेंटेंस में, और वो आपका कॉन्क्रीट नाउन बनता है वो दिया है। यहाँ पे आप सी कर रहे हो मतलब बुक्स इज अ कॉन्क्रीट नाउन, इस पिक्चर में म्यूजिक लिसन कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, यर, तो यर इज अगेन म्यूजिक इज अ कॉन्क्रीट नाउन, क्योंकि उसको हमने सुना। नेक्स्ट फ्रेंड, फ्रेंड को आप टच करते हो, यस, आपके दोस्त को, तो आप टच कर रहे हो मतलब ये हैंड का इस्तेमाल हुआ, तो यहाँ पे फ्रेंड इज अ कॉन्क्रीट नाउन एन एग्जाम्पल ऑफ टच। नेक्स्ट इज आइसक्रीम, आइसक्रीम हम टेस्ट करते हैं, तो वो टंग का यूज किया है हमने, सेंस ऑर्गन का, तो आइसक्रीम इज ऑल्सो अ कॉन्क्रीट नाउन। नेक्स्ट इज फ्लावर, जिसको हमने स्मेल किया, यस, विद द हेल्प ऑफ नोज, तो फ्लावर क्या है, कॉन्क्रीट नाउन। इससे आपको ये समझ में आया कि ये चीजें कॉमन एंड प्रॉपर नाउन की ही मिक्स है, यस, जिसको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, जैसे बुक, म्यूजिक, फ्रेंड, आइसक्रीम एंड फ्लावर। आइसक्रीम फ्लावर्स है वो कॉमन नाउन्स में भी आती है, राइट, जिसको बहुत सारी होती है, तो वो भी आता है कॉमन नाउन में।
कॉन्क्रीट नाउन्स के। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया हो। यस, और आपको कॉन्क्रीट नाउन क्लियर हो। इन शॉर्ट कॉन्क्रीट नाउन्स क्या है, जो फाइव सेंसेस को यूज करके जो चीजें हम यूज कर रहे हैं वो कॉन्क्रीट नाउन है, जिसमें हमने फाइव सेंस का यूज किया हो। यस, जो चीजों को हम सी करते हैं वो भी कॉन्क्रीट, जो स्मेल करते हैं, जो टेस्ट करते हैं, जो ईयर करते हैं, जो चीजें आसपास में आप टच करते हो वो आता है कॉन्क्रीट नाउन्स में। तो ये एग्जाम्पल्स नोट डाउन करें अपने बुक में क्लियरली, अच्छे से एक बार फिर से देखिए। यस, क्लियरली नोट डाउन करें, अच्छे से आपको एग्जाम्पल्स दिखाई दिया, अंडरलाइन करें इसको। ओके, सो ये था व्हाट आर कॉन्क्रीट नाउन्स। ये आपने, आई होप आपको कॉन्क्रीट नाउन समझ में आया होगा। यस, इस वीडियो में हमने सीखा व्हाट आर कॉन्क्रीट नाउन्स। प्रीवियस वीडियो में कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन किया था। थर्ड वन इज कॉन्क्रीट नाउन्स। कॉन्क्रीट नाउन्स आर दैट नाउन्स यू कैन डिटेक्ट, एक्सपीरियंस और फील विथ योर फाइव सेंसेस, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, वो सारी चीजें आती है कॉन्क्रीट नाउन्स में। सो आई होप ये वीडियो से आपको क्लियर होगा। यस, इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद अ न्यू फॉर्म ऑफ नाउन, वो भी आपके लिए टोटली न्यू होगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, ओके, एंड वॉच माई वीडियो एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।